चल थैंक यू। नहीं ये तो चार्ज हो रहा है, बट जब मैं इसमें लगा रहा हूँ चार्ज नहीं हो रहा है, मैं लगा के दिखाता हूँ। शिट यार। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। आज थर्ड डे है और हम वापसी कर रहे हैं दिल्ली की। अभी 9:11 हुए हैं तो फटाफट से जाते हैं ब्रेकफास्ट खाते। फिर ब्रेकफास्ट खा के ये जो सारा मेस मचा हुआ है मेरी तरफ से, ये थोड़ा कुछ मैंने फोल्ड किया नहाने से पहले, तो इसको पैक करते। जूते तो वैसे के वैसे गंदे हैं, इसका ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, एक बार झाड़ लेंगे, ऑप्शन ही वही बचा हमारे पास। तो चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और तैयारी करते हैं निकलने की। यहाँ कॉफ़ी भी खुद से बनानी पड़ी है, दूध मिला दूध पैसे पहले और ब्राउन शुगर था, बाकी जगह पे अगर ऑर्डर करते तो कैपेचिनो मिल जाता है। एज यूजुअल ब्रेड ऑमलेट खाएंगे, थोड़ा पेट भरेंगे और निकल लेंगे। यार मैंने जाने से पहले ये सोचा कि एक बार ना अच्छी सी कैपेचिनो पी के चलते हैं, तो कैपेचिनो बनी रही है। वो कह रहा 10 मिनट लगे मशीन को गर्म होने के लिए, तब तक के लिए इंतजार कर रहे। यार मन नहीं कर रहा है यहाँ जगह ना छोड़ के जाने का। After waiting like for 15 minutes, आ गई। जूते में जितनी मिट्टी हो सकती है उतनी बाहर निकाल लेता। मिट्टी तो पूरी अंदर अंदर तक है। चलो जैसा घर जाके धोएंगे। जूता पहन लिया, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, दिखा दो मैं आपको। ये देखो जैसा भी है मेरा है। लगेज पैक कर लिया, एक मेरा हेलमेट बैग ये पहन के आया था, वो एक बैग दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। बैगेज इसको लोड कर दिया है, अब चलते हैं। अब एक बार कोल्ड स्टार्ट और कर देते हैं। तो मैंने अभी ना BMW मोटरोड का एक ऐप है, तो मैंने उसको यूज़ किया, तो उसमें नेविगेशन दिखा रहा 6 किलोमीटर तक सीधा, तो ये मुझे पहले नहीं पता था। पहले मैंने वो ऐप यूज़ किया, चलो 6 किलोमीटर तक पेट्रोल का भी एक बार देख लेते हैं। 52, 141 बहुत है अभी तो, मतलब 100 किलोमीटर तो आराम से चली जाएगी। नेविगेशन डन, बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो सीधा चलते हैं। एक सेकेंड, 360 नहीं चालू करा, 360 कैमरा चालू। हाँ नहीं अब जा रहा हूँ, हाँ वापसी। चलो चले बाय बाय डलहौजी, फिर मिलते हैं आपसे अगले साल। भाई बादल छू रहे हैं हमें, हमारे तन मन को छू रहे हैं। कम से कम ये गाड़ी बंद करो, क्यों तेल फूंकना है? जब आप पहाड़ पे हो तो क्यों तेल फूंकना नीचे जाते हुए? एस्टिमेट टाइम क्या दिखा रहा है? 8:23 अगर नॉन स्टॉप जाऊंगा तो
तो कम से कम यार ये मुझे सही पता था, अगर ये पता होता ना मुझे, मैं भटकता नहीं, दो घंटे भटकता नहीं यहाँ आने में, और अच्छे से रूम लेता, जल्दी सोता, और तबीयत भी शायद नहीं खराब होती मेरी। कहते हैं यहाँ पर किस्मत वाले जानवर को देख पाते हैं, वो किस्मत हमारी थी नहीं तो हमने देखा नहीं। ओ भाई व्हाट ए स्लो ब्रो, वो एक और, ये तो बहुत लंबा है तेरी। ओ दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, ऐसी जगह से मोहब्बत नहीं होगा तो क्या होगा यार। भाई मौसम बिगड़ता हुआ है यहाँ पर नीचे मौसम सही है, क्योंकि मुझे दिखा धूप। फक हो गया, अच्छा मुझे याद आ गया कि मेरी तार लटकी हुई थी नीचे। गाइस गुड, आई लव इट। ओ भाई यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम मीटिंग बैठी हुई है, सरकार पलट देंगे सारे, एक एक सरकार पलट देंगे हम सारे यहीं बैठे भाई। लैंडस्लाइड वाले पहाड़ हैं, पूरे पहाड़ों की हालत ऐसी है। ये मेरे हिसाब से कल भी हुआ है। ओ भाई ये सारे पहाड़ ऐसे है जो नीचे जो रास्ते में जा रहे हैं। ये भाई थोड़ा दूर ही रहा इनसे ना। मैं ये चीज सोच रहा हूँ नॉन स्टॉप घर के और निकले बिना कुछ खाए, बस मैं ये सोच रहा हूँ रिफिलिंग करवा लेंगे, यहाँ कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है। फक 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 फक, दो बस चिपक गए, किसी को लगी वगी तो नहीं? शिट यार, यार रास्ता वास्ता है, रास्ता है भैया, किसी को लगी होगी तो नहीं ना? जाम लगना शुरू हो गया, अभी तो जाम लगेगा भाई, एक सेकंड रोक लेते हैं। अच्छा हुआ किसी को लगी वगी नहीं है, किसी ने गलत तो कट लिया ही है, वरना ऐसा होता नहीं। आप लोग निकल जाओ, आप लोग निकल जाओ, फिर पीछे से कोई गाड़ी तो आएगी नहीं। चलो चलो सब जॉब में जाके लगो।
और ना मैंने एक चीज़ सोची कि वापस ना दिल्ली जाके 3-4 महीने अपने बॉडी पे काम करेंगे, क्योंकि इस ट्रिप में मुझे एक चीज़ पता चल गई, कैपेबल तो हूँ मैं राइड के लिए, द थिंग इज कि मुझे कहीं कहीं जो पेन वेन हो रहे हैं वो इसी वजह से, जो मैंने ये एक्सेस जो ये शरीर में फैट गेन कर रखा है ना, इसको निकालने का है, अब इसको रख के फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये फैट निकल जाए शरीर से तो मैं बहुत अच्छे से अपना राइड कंप्लीट कर पाऊँगा। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये शोल्डर लेफ्ट वाला, लेफ्ट सॉरी नॉट लेफ्ट, राइट वाला शोल्डर काफ़ी पेन कर रहा है मुझे। ये रहा, सी लेवल आ चुका है, हमारी यात्रा यहीं ख़त्म। यहाँ से 80 मीटर में राइट लेना है, इसका मतलब ये है कि लेवल पे भी आ चुके हैं और हाईवे में भी। और ये हाईवे है अंकल, मैं कुछ नहीं कर रहा, धीरे ही चल रहा हूँ मैं, हमारा प्यारा छोटा हाईवे। वह रेस नहीं लगाना है, हम रेस लगाने के मूड में नहीं है। अच्छी लग रही है। अब इसमें लिखा है NH डलोजी बाईपास, हमें लेना है 850 पे। ये डलोजी रोड है। अबे यार मैं बिल्कुल ही गलत रास्ते से गया था क्या यार, मैं रास्ता ही भटक गया। ये तो यूटर्न मारने के लिए कह रहा है। ये कौन सा ब्रिज है? ये आगे वाला है, इससे नहीं होना, ये ऊपर वाले से। कौन सा, ये वाला? हाँ शायद यही है। एक सेकंड, हम यहाँ पर इस टाइम, हाँ यही वाला है। और कुछ तो है नहीं, थक गया यार। ये 27, हाँ चेक कर रही हूँ BMW की GS 1300। अच्छी लग रही है ये, अभी जस्ट लॉन्च हुई है, 4-5 महीने हुए इंडिया में लॉन्च हुए। चल थैंक यू, ओके बाय बाय। लड़ते नहीं बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई आर फाइटिंग? लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। 69 भाई, बाइक भी 69 पोजीशन करना चाह रहा है। पेट्रोल पंप ढूंढना है, 69 किलोमीटर है हमारे पास, है क्या पेट्रोल पंप? हाँ, रिस्क लेना नहीं है, पेट्रोल डलवा लेते हैं, जरूरी है भाई पेट्रोल। कहाँ कितने? फुल कार्ड, कार्ड का नाम सर, ऑनलाइन कर दो, कार्ड चलेगा ऑनलाइन, ले लो। एक तो मैं गाली, एक रहेगी, एक तो कल ही रहेगी, फोटो ले लो। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वही अंकल ना, फिर से वही लीड जो हमारी बार बार नीचे चली जाती है, उसी के लिए का। GoPro की बैटरी को पता नहीं क्या हुआ, चार्ज ही नहीं हो रहा यार, देखते हैं तो आधे रास्ते तो यही होगा। Let's hope ये चार्ज हो जाए। 1 hour later इतनी देर बाद मैंने अभी बाइक रोकी है, GoPro अभी भी चार्ज नहीं हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकाल के एक बार चार्ज करके देखेंगे, अगर चार्ज हो रहा है तो बढ़िया, फिर एक बार लगा के देखेंगे, अगर तो भी चार्ज हो रहा है तो बढ़िया। लॉग ही नहीं बनाया, चलो इसे खोलने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो चार्ज हो रहा है, बट जब मैं इसमें लगा रहा हूँ चार्ज नहीं हो रहा है। मैं लगा के दिखाता हूँ, ये चार्ज नहीं हो रहा, शायद ये ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर लाल पत्ती आनी चाहिए थी भाई, ये तो चल गया, खुद ब खुद चल गया, और 85% चार्ज है और अब चार्ज हो रहा है।
मजाक चल रहे थे मार्केट में भाई। गोप्रो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ कैमरा रख गया, इतनी देर से चल नहीं रहा था, एक घंटे से ना बंद पड़ा हुआ था, मुलों का खराब हो गया, फिर मैंने इसलिए रोका। हाँ कुछ हो गया होगा, फिर मैंने अभी चार्ज करके देखा तो हो गया। चलो भैया आपसे मिलके अच्छा लगा भाई। फाइनली कैमरा चालू हो गया यार, मुझे लग रहा था कैमरा चालू होगा नहीं। चल रहा है भाई, चल रहा है कैमरा हमारा, खुशी की बात है। अब नेविगेशन में देख लेते कितना किलोमीटर रह गया, अगर मैं स्टॉप लेता नहीं तो पता ही नहीं चलता। नेविगेशन बंद क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा नेविगेशन की जरूरत नहीं है, सामने पता चल जाएगा। दिल्ली 291 किलोमीटर, मैं यही सोचा था कि अभी तक डाइवर्जन क्यों नहीं आया। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो है ऊपर को, या आगे से जाना पड़ेगा? नहीं यार ये बंद है, रूट ही बंद कर रखा। सॉरी हम नहीं जा पाएंगे यहां से, व्हाट टू डू? कुछ तो रास्ता निकल जाएगा, पेट्रोल है अपने पास? आगे से लेफ्ट राइट लेके कुछ ना कुछ तो निकलेगा खेतों से होते हुए। अरे भैया यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे? दिल्ली कैसे जाएंगे? दिल्ली के लिए भी वो रास्ता वहाँ से है। कहाँ से? जो पीछे से था, हम भी इधर फंस गए जो समझ रहे हैं, हमें भी जाना है वहाँ। तो ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये निकलेगी नहीं बता रहे इधर से, नहीं निकलेगी। अच्छा ये नहीं निकली, ये निकल जाएगी भैया, ये दिल्ली के लिए निकलेगी? हाँ है रास्ता। अच्छा पीछे पीछे आओ, आगे से उल्टा आपको। ठीक थैंक यू। यहाँ तो कीचड़ कीचड़ हो रहा है, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं खेतों में गाड़ी चलाऊं। ये लो मैं आ गया वहां से यार, ट्रक के साथ लेना चाहिए था, मैं गलत हूँ यार, वो रीरूट कर ही लेता। अगर इन भैया को फॉलो भी करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा बढ़िया। दिस इज अनदर लेवल फीलिंग, पूरा रास्ता खराब है भाई, सरकार क्या कर रही है? ये तो यू टर्न दिखा रहा, हम यू टर्न नहीं लेंगे, हम इनके पीछे जाएंगे। पर ये लोग जा रहे तो मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता है, और ऐसा ना हो पेट्रोल खत्म हो जाए यहाँ पर। फुल खेतों के बीच में मजे ही मजे, वाव करते थे वाव। इसे एक ऑफ रोडिंग के बाद तो मैं एक रेस्ट लेना चाहूंगा, रोड और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चलो जी चलो, गाड़ियां ही गाड़ियां, ट्रक ये सब दिख गए हैं हमें, भरोसा हो गया हमें। पेट्रोल की जरूरत ना पड़ जाए अभी, पूरे गड्ढे नाप लिए मैंने। ये कहां से आ गई ट्रक भाई? हमारे पीछे चार वाली गाड़ी आ रही है। हाय गाइस हाउ आर यू, कैसे हो आप? चलो चलो चलो,
वो भाई साहब जो तो बहुत जाम लगा हुआ, मुझे लग रहा है आई नीड ब्रेक ब्रो, थक गया मैं, सारे गड्ढों में घुस के थक गया। बाजी don't kill me bro, आजा आजा, वो क्या रहे, वो बहुत जाम लगा है, भैया, don't do this, don't, नहीं नहीं, आज के दिन कुछ ज्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई है भाई। Don't kill me, सोनिए। आओ। अरे अरे पाजी गाली थोड़ी देते, गाली दे रहे हो तुम तो, गाली तो मत दो। चलो आओ घुसाओ, आओ आओ, सॉरी, अगर हम यहाँ नहीं भगाएंगे तो पेट्रोल लगा दो, मुझे बस इस बात का टेंशन है, मैंने चेक नहीं किया, एक बार चेक कर लेते, 86 किलोमीटर मतलब रिजर्व में आने वाली है। भाई आ गया हाईवे, दिख गया, ओह माय गॉड, टू हैप्पी। ऑफ रोडिंग का है कुछ, ट्राई करें गाइस, व्हाट यू से, चलो लेफ्ट एंड हियर वी आर बैक टू रोड भाई। ओ गाइस यहां से राइट लेना है हमें, जो अंबाला लिखा है, बस देख के काटते, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ जाएगी, इस लाइन में गाड़ी नहीं है। तो सारे भूले भटके सारे दोस्त हमारे आ चुके हैं इस हाईवे पे, बढ़िया। तो क्या हुआ, कुछ भाई ना कुछ ऊपर की शायद बादल वाल की फोटो ले रहे होंगे, तो मैं आगे गया, मैंने दोनों हाथ ऊपर किए और मैंने फोटो खिंचवा ली, तो उनके फोटो के बीच में आ गया, तो फिर उन्होंने भगा के मेरी वीडियो ली, तो वही भाई थे जिनकी वीडियो आपने थोड़ी देर पहले देखी, तेरे मेरा भाई भगा रहा है, ये वही भाई है, देखा अपाची में भग रहे हैं, पर सही है इनको, ये अपना मजा कर रहे, करने दो। ओके फुल टैंक, घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, सही है, पूरे पूरे मजे लो, कहाँ रहते हो, यही रहते हो, चलो बाय। टी ब्रेक खत्म, यहाँ से 186 किलोमीटर रह गए, अब नॉन स्टॉप घर को ही चलेंगे बिना रुके।
कर दी, काफी है आज के लिए, इतना रोमांच काफी है। उधर खाली सड़क मिल गया तो मैंने 200 पार कर ली। फाइनली मैं कह सकता हूँ 203 टच किया इसमें, और भी ऊपर जा सकती थी और ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं थी। घर वालों ने ये वीडियो देख ली ना, बेल्टें पढ़नी है, भर भर के बेल्टें मारेंगे वो। रात होनी शुरू हो चुकी है तो अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया। हाँ तो दिल्ली में हो रही है बारिश, मतलब दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है, दिख रहा है मुझे सड़क से, पर हमने अपना रेन मोड ऑन कर दिया है। इससे फ़र्क कुछ नहीं, थोड़ा ग्रिप मिलेगा और अपनी स्पीड थोड़ी सी कम रखेंगे इस बार। दिल्ली के आसपास आती देख रहे हो जाम कैसे मिल रहा है भाई, काफ़ी बड़ा जाम है यार, 21 किलोमीटर दिखा रहा है घर के लिए और 1.6 किलोमीटर के बाद लेफ्ट, उनके पीछे चलते हैं। पता नहीं कि कहाँ नया रास्ता दिखा रहे हैं लोग। इन लोगों के चक्कर में मैं भी फंस गया। चलो 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 चलो, हम भी देखेंगे शॉर्टकट कौन सा भाई। ओह ई रिक्शा भी जा रहा है, चलो एक एक करके सब, चलो चलो थम लो यार थोड़ा सा, ऐसा ना आगे से यू टर्न मारना पड़े, मेरी बारी में तो हमेशा ऐसे ही होता है। अरे ई रिक्शा जा रहा तो यू टर्न तो मारने की जरूरत ही नहीं है। इतनी देर भाई देख रहे हो, शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट हो गया। वहाँ गड्ढा, वहाँ गड्ढा, वहाँ से मत जाना, बहुत बड़ा गड्ढा है भाई, के अंदर घुस गया कर दो सीधा, गड्ढा है वहाँ जाओ, मर जाओ मैं यार, लगी तो नहीं पिया फट गया मुंह। यहाँ पर कोई पत्थर लगाएगा तो पता चलेगा, मुंह फट गया। यहाँ से कितना दूर है क्लिनिक, कितना दूर है जी कहाँ पे क्लिनिक? क्लिनिक टाके वाके लगेंगे है ना। अच्छा नाक नहीं रोटी, चलो आराम से जाना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डायलिसिस को खड़ा कर दिया, डायलिसिस को बस आके देखूंगा तो कल देखूंगा, ये देखूंगा मेरे पापा से मिल जा रही है, बंद कर दो पेन तो हो रहा है यार। चलो डॉक्टर के पास। ये हाथ में लगवाना चाह रहे थे आप? नाक में टेढ़ी हो गई, पहले टेढ़ी।
अपडेट नहीं होगी। आई 8 घंटे।